ग्रीटिंग्स टू टू यू, डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम दिस मॉर्निंग मेडिटेशन टाइम सुप्रभात मेरे मित्रों और आप सबका मैं स्वागत और अभिवादन करता हूँ आज सुबह के समय जो कि मनन का समय है एंड इट इज ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज गुड टू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड बिफोर वी वी फेस द वर्ल्ड और ये हमेशा एक अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें इससे पहले कि जब हम संसार का सामना करने के लिए Acts, 16. और आज के मनन को हमने प्रेतों के कार्य उसके सोलवे अध्याय से लिया है चैप्टर सिक्सटीन इज दिंग ऑफ मिनिस्ट्री इन यूरोप और प्रेतों के कार्य उसका सोलह अध्याय दिखाता है या एक शुरुआत है पॉलस प्रेरित की सेवकाई की जो युरोप महादेश में करता है सो लेट मी पास ऑन टू यू जस्ट अ थॉट और एक विचार को मैं आपको आज की सुबह देना चाहता हूँ। एंड फॉर दिस लेट अस रीड फ्रॉम वर्स 25 टू 34 एक्ट चैप्टर 16 और इसके लिए हम प्रेतों के कार्य उसका सोलवा अध्याय पच्चीसवे वचन से लेकर के वचन तक पढ़ेंगे। you Bibles, और अगर आपके पास जो हमें सुन रहे हैं आपका बाइबल मौजूद है कृपया करके अपने बाइबलों को प्रेतों के कार्य सोलवा अध्याय पच्चीसवें वचन से मैं पढ़ूंगा चौतीसवें वचन तक आप भी इस वचन की ओर देखें आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनके उनकी सुन रहे थे इतने में एक आएक बड़ा भूकंप आया यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भी भाग गए हैं अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा परंतु पौलस ने ऊँचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुँचाना क्योंकि हम सब यहीं हैं तब यह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पॉलिस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों उधार पाने के लिए मैं क्या करूं उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत पर पर विश्वास कर कर आनंद किया आमें। आमें। May the, Holy Spirit's blessing be upon us through the reading of God's word. और होने दे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आशीष हम सब के ऊपर हो उसके वचन के पढ़े जाने के द्वारा here is a uh,

Uh, he had both इस स्थान पर दोनों बातें हुई रॉयट फॉलोड बाई और यहाँ पर देखिए कैसे एक लड़ाई सताओ और साथ ही साथ एक बेदारी भी वहां पर You know, we as God's people, और हम परमेश्वर के लोग होते हुए for a to in India. हम एक भूख एक आस को लगाए हुए हैं कि एक सामर्थ्य शक्तिशाली बेदारी भारत के भीतर आज आप एक बात को देखेंगे ऑफन रिवाइवल कम्स एट अन टाइम्स और 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 कई बार ऐसे ऐसे समयों में में आती है और ऐसे स्थानों पर जब कोई कोई सोचता या जिनके बारे में कोई विचारता नहीं। Now, God to send this the और क्या परमेश्वर ने किस किस बात ने परमेश्वर को ये उसके इस बेदारी को उस बंदी गृह में बेचने के लिए मजबूर किया नोटिस इंस्ट्रूमेंट दूस और देखिए उन यंत्रों को जिनका प्रयोग परमेश्वर ने किया टू क्रिस्टियन इन प्रेयर दो मसीह जो प्रार्थना में थे इन वर्ष ट्वेंटी फाइव पच्चीसवे वचन में पॉल एंड सिलास प्रेड कि पॉलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे वे कहा इन साइड द प्रिशन वो बंदी ग्रह के अंदर

और उन्हें किस प्रकार से उनके ऊपर ताड़ना दी गई ब्लेसड इज uh, that drives us to आवर नीज और धन्य है ऐसी ताड़नाएं जो हमें हमारी आवश्यकताओं की ओर ले जाती And that's what happened मेनी टाइम्स

वो बीज त्रि में अपनी प्रार्थना को कर रहे हैं दिस में डार्केस्ट आवर इन योर लाइफ और हो सकता है कि आपके जीवन में ये सबसे अंधकार बट लेकिन इट इज नेवर टू डार्क टू प्रे लेकिन ये कभी भी इतना अंधकार मय नहीं होता कि आप प्रार्थना ना कर सके आवर गॉड डिडलाइट टू वर्क इन द डार्क और हमारा परमेश्वर तो आनंदित होता है अंधकार में कार्य करने के लिए यू रिमें डिलीवर ऑफ इसल फ्रॉमरी और देखिए कैसे इज़राइल के लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें मिस्र की बंदगी के जीवन से बाहर निकाल के लाया इट ऑल है डाक और ये साब हुआ अंधकार के समय में प्रेयर इज द फाउंडेशन फॉर एवरी रिवाइवर और याद रखिए प्रार्थना हर एक बेदारी की नींव है डीएल मूडी सेड और डीएल मूडी ने इस प्रकार कहा एवरी ग्रेट वर्क ऑफ गॉड कैन बी ट्रेस्ड टू अ नीलिंग फिगर और हर एक परमेश्वर के महान कार्य को अगर हम जड़ से देखें उसकी शुरुआत कहाँ हुई तो उसकी शुरुआत होगी किसी एक के घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने से a person, चाहे वो एक व्यक्ति हो और टू पर्सन या दो व्यक्ति हो और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल या एक छोटा सा समूह लोगों का on their knees, उनके घुटनों पर बैठकर कर pray, लो लगा कर प्रार्थना करते हुए until the कर। जब तक परमेश्वर का बेदारी ना आ जाए my brothers and sisters what our nation need today the church in india needs today is such a mighty revival

But the other thing to note is two Christians with the right attitude. लेकिन दूसरी बात भी जो हमें देखनी है वो ये है कि दो मसीही सही स्वभाव के साथ. That also you will find in verse twenty-five. और इस बात को भी आप पच्चीसवें वचन में देखेंगे. They sang and praised the Lord. वो भजन गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे.

रीजन फॉर दम टू बी ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग क्योंकि उनके पास ज्यादा कारण थे कि वो कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के विरुद्ध बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल

Instead of their problems. उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य इसकी बजाय की अपनी समस्या की और अपने ध्यान को लगाई so और इसी कारण इन योर ग्रेटेस्ट ट्रायल टाइम और इस अपने सबसे बड़े परीक्षा के समय में जब आपको तारना दी जाती है परमेश्वर की स्तुति आराधना करना और ज्यादा शुरू करिए क्योंकि जब आप ज्यादा स्तुति और प्रार्थना करते Your whole हैं। focus is on God alone. क्योंकि क्योंकि तब आपका सारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो होता है कि कितना महान है हमारा परमेश्वर और कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर और याद रखिए हमारा ध्यान परमेश्वर होता है और उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य पर अपने ध्यान को लगाया God would deliver them. और उन्होंने इस विश्वास को किया कि परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा. The other thing to notice. और जो दूसरी बात हमें ध्यान लगानी है. Two Christians in the right place. और दो मसीही सही स्थान पर. Two Christians in one place. और दो मसीही एक स्थान पर. And two Christians with the right uh, uh, praying in औ, that place. और दो मसीही सही स्वभाव के साथ. And uh, praying. You know, प्रार्थना करते हुए एंड टू क्रिस्टियन विद राइट एटीट्यूड और दो मसीही जो सही स्वभाव के संग वहां थे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लेनिंग एंड एंडिंग

अर्थ विज्ञान टू शेक और इस भूकंप का मतलब है कि वो पृथ्वी या वो भूमि सुस्थान की हिलने लगी बट इन द मिडस्ट ऑफ दैट वाइर और इसके बीच में जब वो भूकंप आया वट आर दे वो क्या कर रहे थे Look at their freedom. उनकी की और कोशिश नहीं कर रहे थे उन्होंने इस मौके को भी नहीं ढूंढ रहे थे की कि किसी रीति से वो भाग निकले सिंगिंग लेकिन वो गीत गा रहे थे they were praising. वो वो कर रहे थे, they were rejoicing in the वो आनंद मना रहे थे परमेश्वर में वॉट आर और कितना बड़ा चमत्कार। Do you know your right place in relation टू द चर्च क्या आप अपने सही स्थान को जानते हैं कलीसिया के संगरिश्ते में What is your to the आपका कलीसिया के संग कैसा रिश्ता है Do you attend all the services? क्या आप सारी सभाओं में कब में भाग all लेते the प्रेयर मीटिंग सारी प्रार्थना सभाओं में वर्ल्ड और संसार के संग आपका कैसा रिश्ता है What is your place? इज क्या स्थान है

You must abide in him. और वो कहता है वचन कहता है कि वचन में वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहोट इज इज वॉट और ऐसा ही हो रहा Now let me close this by the last one. और मैं इस मनन को समाप्त करूंगा अंतिम बात को कहकर नोट इज दू क्रिस्टियन विद द राइट मैसेज और दो मसीही जो कि सही संदेश के संग थे

you have as a follower of christ और सिर्फ एक ही उत्तर जो आपके पास है प्रभु यीशु मसीह का न्याय होते हुए are you in a prison क्या आप एक जेल में हैं there are so many prisons that we go कई सारी जेलें हैं जो हैं the prison of fear और वो है भय का बंदी घर sickness कारागार है वो बीमारी का loneliness एकांत का the prison of uh, all kinds of problems और हर समस्याओं का बंदी घर but if you want your prison फाउंडेशन टू बीकन लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बंदी ग्रहों का भी वो नींव हिला दी जाए आप शुरू हो जाए परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, लुया और इसके बाद ना केवल आप आजाद हो जाए इन योर माउथ To declare to लेकिन वो सही संदेश को आपके मुख में देगा ताकि आप उसकी घोषणा करने that और यही आपका सिर्फ एकमात्र उत्तर होगा टू दट ग्रेट क्वेश्चन उस महान सवाल के प्रति Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. उस पर आप विश्वास बचा oh, what a joy. और कितने, आनंद की to the कितने मैं आपसे ये कहना हूँ कि भय आपका उत्तर नहीं है। लेकिन भय रहित आराधना स्तुति और प्रशंसा ट विच इज इम्पॉसिबल वो ऐसी बातों को संभव कर देगा जो असंभव है doubts or, or questions—you uh, begin to worship and praise God. और आपके बंदी ग्रहों की भी जो नींव है वो हिला दी जाएगी जब आप स्तुति, प्रशंसा और आराधना करना शुरू करेंगे

And concentration on Jesus Christ will accomplish. कि जो बातें संसार नहीं कर सकती वो प्रभु येशु मसीह पर हमारा ध्यान उसकी स्तुति आराधना और प्रशंसा कर सकती so fill us all with your Holy तो अपनी पवित्र आत्मा से हम सबको इन दस ताकि हम आत्मा में रहें और 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 आत्मा 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 में and the in the Spirit, और आत्मा में में गाएं प्रार्थना करें ही परमेश्वर के नाम की the और हम भी असंभव बातों को अनुभव करने जी यीशु के नाम में गॉड ब्लेस यू माई फ्रेंड मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको एक महान दिन है Enjoy this day. इस दिन का आनंद उठाए आमेन आमेन